आपने क्षेत्र की विकास की बातें हम सबको दे रखी। अब अगले वक्ता जिन्हें मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूं वो हम सबके चिर परिचित हैं, जिनकी ओजस्वी वाणी को हम सुनते आए हैं और हमेशा ये मन में रहता है कि हम और सुने और सुने, कभी हमारी जो है इच्छा खत्म नहीं होने पाती। मैं ऐसे इस हम सबके अधिकतर कार्यकर्ताओं के यहां बैठे हैं, सैकड़ों से कार्यकर्ता है, उनके अभिभावक, उनको आगे बढ़ाने वाले अपने प्रदेश के आदरणीय परिवहन मंत्री श्री अशोक कटारे जी को आमंत्रित करता हूं कि आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय अशोक कटारे जी, भारत माता की, भाई जोर से लगाओ नारा, महात्मा विदुर की धरती के सपूतों, बहनों भाइयों, नारा जोर से लगाओ और जोश से लगाओ, जोर से लगाओ और जोश से लगाओ। उत्तर प्रदेश की धरती पर जो एक गुंडा राज का खात्मा किया है उसका विश्वास लेकर नारा लगाओ, भारत माता के, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस जनसभा में मंच पर उपस्थित केंद्र के लोकप्रिय जनप्रिय मंत्री आदरणीय संजीव बालियान जी, हमारे चुनाव के प्रभारी आदरणीय संजय भाटिया जी, आदरणीय पश्चिम उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी आदरणीय अभिमन्यु सिंह जी, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय राज्य मंत्री अनिल शर्मा जी, यहाँ की लोकप्रिय जनप्रिय और सर्वप्रिय विधायिका बहन कमलेश सैनी जी, बिजनौर की लोकप्रिय विधायिका बहन सुजी चौधरी जी, हमारे जिला पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष नौजवान नेता भाई साखेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे उत्तर प्रदेश में दर्जा राज्य मंत्री भाई गोपाल अंजान जी, हमारे लोकप्रिय जनप्रिय और सर्वप्रिय महटौर के विधायक ओजस्वी वक्ता भाई ओम कुमार सिंह जी, हमारे धामपुर के लोकप्रिय जनप्रिय विधायक भाई अशोक राणा जी, हमारे पूर्व सांसद द्वय भाई भारतेन सिंह जी और हमारे भाई डॉक्टर यशवंत सिंह जी, यहां मंच पर बैठे हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई सुभाष वाल्मीकि जी, संचालन करने वाले महामंत्री भाई विवेक करवाल जी और सम्मानित मंच, मेरे सामने उपस्थित सभी क्षेत्रवासी बहनों भाइयों, नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों, छायाकार दोस्तों, आज ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ बिजनौर से महात्मा विदुर की धरती से पार्टी ने तय किया कि ये जन विश्वास यात्रा अगर जनता का विश्वास लेगी तो महात्मा विदुर की धरती से इसका शुभारंभ किया जाएगा। ये गौरव आपको प्राप्त हुआ है, सम्मान आपको प्राप्त हुआ है। मेरे मित्रों, उत्तर प्रदेश हो या देश हो, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का सूरज चमक रहा है, उजाला हुआ है, अंधकार मिटा है। मेरे भाइयों, मैं आपको समाजवादी पार्टी की सरकार में ऐसी घटनाएं होती थी, ये मीरापुर के पास टिकोला शुगर मिल है, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 10-12 किसान गन्ना शुगर मिल में डालकर लौट रहे थे भैंसा बुद्धी से, और पीछे से लफंगे आए, लुटेरे आए और उन किसानों की बुग्गी को रुकवाया और 10-12 झोटों को उसमें से खोल के और ट्रकों में लाद के ले गए। ऐसा नंगा नाच समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था तो मेरे मित्रों, मैं आपको बता रहा था, ऐसा नंगा नाच उत्तर प्रदेश में था, चारों तरफ त्राहिमाम हो रहा था, बहन बेटी सम्मान के साथ गलियों में रास्तों पे निकल नहीं सकती थी। उत्तर प्रदेश में गुंडे अपराधी माफिया हावी थे, वो थानों को चलाते थे, ऐसी गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में होती थी। मेरे मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ, तख्त बदला है, तस्वीर बदली है, योगी जी ने उत्तर प्रदेश की तकदीर बदली है। मेरे मित्रों, ऐसा बदलाव उत्तर प्रदेश में आया है, गुंडे
अपराधी और माफियाओं से इस धरती को खाली करा लिया गया है। गुंडे अपराधी माफिया या तो उत्तर प्रदेश की धरती को छोड़कर चले गए हैं, या फिर उनको जेलों में डाल दिया गया है, या फिर उनका राम नाम सत्य कर दिया गया है। मेरे मित्रों, ऐसा उत्तर प्रदेश में आज कोई भी बहन बेटी शाम को निकल सकती है, रात को निकल सकती है। आज चारों तरफ सम्मान का वातावरण है। एक जमाना था उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे और माफिया सिर उठाकर चलते थे, ईमानदार और सज्जन लोग सिर झुकाकर चलते थे, लेकिन आज तस्वीर का रूप बदल गया है। आज ईमानदार और सज्जन लोग सिर उठाकर चलते हैं, गुंडे और माफिया छुप छुपा कर चलते हैं। मेरे मित्रों, ये तस्वीर बदल गई है उत्तर प्रदेश की। मेरे मित्रों, आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है, मेरे मित्रों गोरखपुर एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो मेरठ से निकलने वाला गंगा एक्सप्रेसवे भी बन रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी 4 लेन 6 लेन की सड़कें बन रही है। मेरे मित्रों, आज विकास उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। मेरे मित्रों, आज हमारे पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आज भारत की संस्कृति का गौरवगान सारी दुनिया में करते हैं। मेरे मित्रों, आज नरेंद्र मोदी जी के रूप में भारत के पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो विदेश में कहीं भी जाते हैं, उस देश में जाते हैं, तो उस देश के जो बड़ा मंदिर है उसमें जाकर सिर झुकाते हैं। मेरे मित्रों, अपनी संस्कृति पे गर्व करने वाले प्रधानमंत्री आज हमारे पास हैं। पहले भारत में ऐसे प्रधानमंत्री होते थे जो मजारों पे जाकर चादर चढ़ाते थे, मुझे इसमें कोई इनकार नहीं है। आप मजारों पे बेशक चादर चढ़ाइए और प्रचंड भवन से एक बार फिर, लेकिन अपनी माँ को पहले पैर छूने का काम करो। जो भारत माता है, जो भारत की संस्कृति है, जो भारत की परंपरा है, अरे भारत की जो परंपराएं हैं, पहले उन्हें मानने का काम करो। भारत की परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम करो, तब मजारों पर चादर चढ़ाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन पहले प्रधानमंत्री जो होते थे मजारों पर चादर चढ़ाते थे और मंदिरों में जाने से शर्माते थे। ऐसा होता था कि नहीं होता था, बताओ? होता था कि नहीं होता था, बताओ हाथ उठाकर मेरे साथ। ऐसे ही देश का हाल था। देश के अंदर मंदिरों में जाने में प्रधानमंत्री शर्माते थे। और क्यों शर्माते थे? कि मुसलमानों का वोट नाराज ना हो जाए। अरे ये कौन सा संस्कार है, ये कौन सी संस्कृति है, कौन सा विचार है कि तुम अपनी संस्कृति को भूल जा रहे हो? इस देश के अंदर, इस देश की संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया हमारे कुटुंब के समान है। इस देश की संस्कृति है गंगा को गाय को मानना, गंगा को माता कहना, ये भारत की संस्कृति है। लेकिन भारत के जो प्रधानमंत्री होते थे वो इसी पर शर्माते थे। आज हमारे पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो जापान के राष्ट्रपति शिंजो आबे को गंगा के तट बनारस में बुलाते हैं, एक आरती की थाली उसके हाथ में थमाते हैं और उसको भी गंगा की आरती कराते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री हमारे पास है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को बुलाते हैं, अक्षरधाम मंदिर ले जाते हैं, एक दूध का लोटा उसके हाथ में थमाते हैं और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से शंकर जी को दूध से निलवाते हैं। हमारी संस्कृति का गर्व करने वाले लोग, अरे हम तो चींटी अपने खाने से पहले चींटी को आटा खिलाने वाले लोग हैं, हम गर्दन काटने वाले लोग नहीं है। क्यों नहीं गर्व के साथ इस बात को कहना चाहिए? क्यों नहीं इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए? और क्यों शर्माना चाहिए? शर्माने के लिए भारतीय संस्कृति में कुछ नहीं है। ऐसा कोई कारनामा भारतीय संस्कृति में नहीं है जिस पर शर्माया जाना चाहिए। हमारी मान्यताएं हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमारा एक चरित्र है, और वो महान चरित्र जो चींटियों को भी आटा खिलाता है और जो अपने खाने से पहले पहली रोटी गाय माता को खिलाता है, वो चरित्र हमारे पास है, वो संस्कृति और संस्कार हमारे पास है। इसलिए दोस्तों, इस संस्कृति और संस्कार को बढ़ाने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, इस संस्कृति और संस्कार से सारी दुनिया बच पाएगी। सारी दुनिया अगर बच पाएगी तो इसी सोच से बच पाएगी।
जो बंधुत्व की भावना लेकर चलती है, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर चलती है। मेरे मित्रों, आज उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों का पेमेंट हो रहा है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे और माफिया उत्तर प्रदेश की धरती से खाली हो गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज उत्तर प्रदेश में गुंडे और माफिया सड़कों पर चलते हुए भी घबराते हैं और जेलों में भी घबराते हैं। आज गुंडे इस तरह अपने जीवन की भिक्षा मांगते हैं। मेरे मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा तो केवल सरकारी प्लेटफॉर्म से नहीं मिल सकता है, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को अगर रोजगार दिया जाएगा तो उसके लिए उत्तर प्रदेश का औद्योगिकीकरण करना होगा, उत्तर प्रदेश में उद्योगों को लाना होगा। और आज उत्तर प्रदेश में उद्योग आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं, आज उद्योगपति की जान माल की सुरक्षा की गारंटी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दी है कि तुम्हारा अपहरण नहीं होगा और तुम्हारे से वसूली नहीं की जाएगी, फिरौती नहीं वसूली जाएगी। इस तरह की गारंटी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज उद्योगपतियों को दी है, इसलिए उद्योगपति आ रहे हैं। उद्योगपति जब आता है, 500 करोड़ लगाता है या 1,000 करोड़ लगाता है तो 1,000 नौजवानों के हाथों को रोजगार देता है। रोजगार का 24 करोड़ के प्रदेश में, इतने बड़े राज्य में रोजगार का साधन केवल सरकारी प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता, उसके लिए प्राइवेट सेक्टर का निर्माण करना होगा, उसके लिए उद्योगों का जाल बिछाना होगा। मेरे मित्रों, आज उद्योगों का जाल हमारे मुख्यमंत्री के काम से प्रभावित होकर उद्योगपति आ रहे हैं और आज उत्तर प्रदेश में उद्योगों का जाल बिछा रहे हैं। मेरे दोस्तों, एक जमाना था उत्तर प्रदेश में बिजली आती कम थी, जाती ज्यादा थी। मैं भी गाँव का किसान का लड़का हूँ, आप सब भी किसान हैं, आप जानते हो गांव के अंदर अगर ट्रांसफार्मर फूक जाता था तो 15 दिन लगते थे, लगते थे कि नहीं लगते थे, एक महीना लगता था कि नहीं लगता था, बोलो। ट्रांसफार्मर अगर फूक जाता था तो 15 दिन में आता था, लेकिन आज तस्वीर बदल गई है। आज वही कारिंदे हैं, वही कर्मचारी हैं बिजली विभाग के, आज ट्रांसफार्मर अगर फूकता है और हम एसडीओ को सूचना देते हैं तो 24 घंटे और 48 घंटे में ट्रांसफार्मर लग जाता है, बोलो लगता है कि नहीं लगता है, हाथ उठाकर बताओ लगता है कि नहीं लगता है, सच बताओ लगता है कि नहीं लगता है। ऐसा परिवर्तन हमारी सरकार ने करके दिखाया है कि आज ट्रांसफार्मर फूकने के बाद 24 घंटे और 48 घंटे में लग जाता है। ऐसा परिवर्तन, महापरिवर्तन हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ है, इसलिए हुआ है क्योंकि 24 करोड़ जनता को अपना परिवार मानने वाला ऐसा कर्मयोगी मुख्यमंत्री हमारे पास है, इसलिए बदलाव आया है। मेरे मित्रों, इतना ही नहीं, मोदी जी और योगी जी ने खजाने का मुंह गरीबों की तरफ खोल दिया है, खजाने का मुंह गरीबों की तरफ खोल दिया है। अरे मैं जानता हूँ, गांव का रहने वाला हूँ, हमारी बहन बेटियां, हमारी बहू बेटियां जंगल जाया करती थी, खुले में सोच जाया करती थी, जाया करती थी कि नहीं जाया करती थी बताओ, हमारी बहन बेटियां खुले में सोच जाया करती थी। मैं भी गांव का रहने वाला हूँ, मैं कक्षा 4 में पढ़ता था, जिस खेत में हमारे गांव की बहन बेटियां सोच के लिए जाया करती थी वो खेत उस हमारे स्कूल से लगा हुआ था। मेरे मित्रों, उसके बगल में बाग था, शायद मैं आम तोड़ने के लिए उस खेत में धोखे से प्रवेश किया और मेरे मित्रों, मेरी आत्मा कराह उठी, मेरी आत्मा कांप उठी कि जहां पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है वहां हमारी बहन बेटियां आखिर सोच के लिए जाती कैसे हैं। हर दिन हर रोज एक खेत में जाना, उससे बड़ा नरक दुनिया में कोई दूसरा नहीं था, बोलो था क्या उससे बड़ा नरक। हर गांव में ऐसा नरक था जहाँ हमारी बहन बेटियां केवल एक ही खेत में जाती थी, सूरज निकलने से पहले खेत में जाती थी और अगर शाम को सूरज डूबने का इंतजार करना पड़ता था, ऐसा नरक हर गांव में पसरा हुआ था। गांव में जमींदार भी थे, लंबरदार भी थे, 200-250 रुपए के किसान भी थे, लेकिन कोई भी इस नरक से निकालने का काम हमारी बेटियों को कर नहीं पाया था। इस नरक से निकालने का काम हमारी बहन बेटियों को अगर किसी ने किया तो भारत माँ के लाडले सपूत नरेंद्र मोदी ने किया, नरेंद्र मोदी ने किया, नरेंद्र मोदी ने किया। मेरे मित्रों, नितिन गडकरी जी आ गए हैं, आप सब महात्मा बुद्ध के सपूतों से मेरा निवेदन है,
कि जब वो मंच पर आए तब आप अपने स्थान पर खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ महात्मा बुद्ध की धरती का संदेश देना। और जब तक नितिन गडकरी जी जमे रहे मंच पर, हमारे केंद्रीय मंत्री जिन्होंने हिंदुस्तान में सड़कों का जाल फैलाया है, मेरे मित्रों जिन्होंने चोरी चोरी सड़कें बनाने का कमाल करके दिखाया है, वो नितिन गडकरी आज आपके बीच में आ रहे हैं। और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जिन्होंने उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल फैलाया है, वो दोनों महान नेता आपके बीच में आ रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ आप इस जनसभा में जमे रहना, बने रहना, मेरे दोस्तों महात्मा विदुर की धरती का मान सम्मान बनाए रखना। भारत माता की, भारत माता की। जब वो अपने आप मंच पर आए तब आप सब अपने स्थान पर खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।